देख रहे हैं डेली न्यूज़ में मौजूद कराची के इलाके, जहां हर कोई यहां आता है। रंचलाइन ऐसी जगह है जहां मार्केट रश ही रश, खुशबू है। आज आपको दिखाने जा रहे हैं फलों का बादशाह आम। आम आते ही छा गए, लोग आम शौक से खाते नहीं, लेकिन हाँ उसका जूस जरूर पीते हैं। हमारे साथ अदनान जो बड़े से पतीले में आम का जूस तैयार हो रहा है, लोगों को पिलाया जा रहा है, लोग बड़े शौक से इसको एंजॉय करके पी रहे हैं। आइए जानते हैं कब से इन्होंने स्टार्ट किया और क्या इसके प्राइसेस है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आम लवर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलते रहे। दिखाते हैं आज की मैंगो मिल्क शेक। जी नाज़रीन, यहाँ बड़े रंचलाइन के इलाके बड़े पतीले में तैयार किया जा रहा है मैंगो जूस। के बारे में बात कर रही थी कि फलों का बादशाह आते ही छा गया और लोग बड़े दीवाने हो गए कि भाई जूस भी मिलेगा। आम तो खाते खाते हैं लेकिन जूस बहुत कम जगहों पर होता है, लेकिन यहाँ बड़े से पतीले में तैयार कर रहे हैं। अदनान हमारे साथ मौजूद है, अदनान इसके बारे में बताएंगे। जी अदनान, वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक है? शुक्र अल्लाह का। आम आते ही छा गया। जी बिल्कुल। ये बताएं कब से आप जूस तैयार कर रहे हैं? तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल। आपकी उम्र कितनी है? मेरी तो 26 है। 26 है। आप हैं यहाँ पे ऐसे और था तो वालिद साहब होते थे। और ये बड़े से पतीले में आम तो हम ग्राइंडर मशीन करते हैं, आप लोग कैसे पीसते हैं इसको? हम भी जूसर में ग्राइंड करते हैं। अच्छा, जूसर में ग्राइंड करते हैं। ये जो पतीला है तैयार किया, इसमें कितने आम डाले गए? इसमें तकरीबन 15 किलो आम है। 15 किलो आम। अच्छा, गर्म दूध क्यों डालते हैं? वजह गर्म दूध डालने की वजह है कि दूध पक जाता है, लाल हो जाता है। तो जायका अच्छा आ जाता है। जी जी बिल्कुल सही। अभी तो आम थोड़े खट्टे हैं तो चीनी ज्यादा गई होगी इसके अंदर। बिल्कुल, बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या करें, आवाम की जो है ना फरमाइश है। आम को लेकर क्या जल्दी से आम आए और फौरन हम पहुँच जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, तो पहले दिन से ग्राहक स्टार्ट है ना? जी बिल्कुल, हमारा तो जब आम शुरू होता है तो दाल खाना शुरू हो जाता है। गर्मी की वजह से लोग पीते हैं या आम के शौकीन होने की वजह से? ज्यादातर तो आम के शौकीन है और गर्मी भी अब बढ़ गई है ज्यादा। जी बिल्कुल, गर्मी की वजह से भी ज्यादा अच्छा लगता है। ये जो पतीला तैयार किया कितने मन का है? तो मन का नहीं, गिलास के हिसाब से हुआ है। कितने गिलास का ये? 400 गिलास है। 400 गिलास ये तैयार हो रहा है। लोगों का रस दिख रहा है ना, पता चल रहा है गिलास तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रे में लगते हुए जा रहे हैं। और इसमें कितनी बर्फ डाली गई है? तकरीबन 15 किलो बर्फ। 15 किलो बर्फ। और दूध इसमें 10 किलो। आपकी क्या प्राइस है? अब तो गिलास के रेट हाई हो गए। हाई मतलब जी हाई। छोटा गिलास 40 का हो गया, बड़ा 60 का। छोटा गिलास 40 का, बड़ा 60 का है। और ये जब पहले 35 साल पहले कितना 10 रुपए का था? नहीं, 3 रुपए का था। 3 रुपए का था। अब महंगाई के हिसाब से जो है ना रेट भी बढ़ गए। सही। अभी आम के रेट क्या चल रहे हैं? आम तो अभी देखें आप 150, 200, 250 रुपए किलो चल रहे हैं। तो आप तो पेटी लाते होंगे। जी। तो कौन सा आम यूज करते हैं? इसमें मिक्स करते हैं। मिक्स सब लंगड़ा चौसा सब मिक्स। हाँ, और वो क्या नाम है, सिंदड़ी माला मालू जो सारा मुझे नाम कम आते हैं, लेकिन मिक्स करते हैं सब मिक्स। तो ये आम अपने वहाँ से सब्जी मंडी से लाते हैं? जी जी बिल्कुल, वहाँ से लाते हैं। क्या टाइमिंग क्या है आपकी? क्या दिन में ही मिलता है, रात में मिलता है? ये आपको मिलता है 9 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी की शिद्दत से ज्यादा रश हो गया है। नहीं, शौकीन है आम के, शौकीन है। गर्मी भी है ज्यादा। आम के अलावा आप क्या, इसके अलावा क्या करते हैं? आम तो पूरे 12 महीने नहीं होता, 7 महीने केले का रखते हैं, तो 3 महीने आम का होता है। 3 महीने आम का होता है। नाज़रीन, अगर मैं आपको मशवरा दूं, अभी जो आम जो है खट्टा आ रहा है और अभी आम बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि अभी आप खाएंगे तो आपको निकल जाएंगे मोटे मोटे दाने, वो बड़ा नुकसान जो होता है। अभी आप जो है अपने आम की तासीर को ठंडा करने के लिए इसमें शेक पी, क्योंकि इससे मतलब कि तवानाई आ जाती है, ताजगी आ जाती है और तंदुरुस्त हो जाएगा इंसान, क्योंकि इसके अंदर चला गया दूध और बर्फ चीनी, तो इससे आपकी तासीर आम की ठंडी हो जाएगी और आपको बड़ा मजा आएगा। मैं अपने बच्चों को तो यही पिलाती हूँ, इसका मिल्क शेक। आम तो खिलाती नहीं हो। तो यहाँ आ गया है तैयार होके बड़ा गिलास और इसको पीते बताते हैं। देखिए, घर में जो है आम हम लोग खुद खुलकर डालते हैं। अब ये कारोबार है तो इसमें आम थोड़े डाले गए, तो बस आम का फ्लेवर आ रहा है और एक पीने को मिल गया कि हाँ हमने आम का जूस पिया। तो जी नाज़रीन, आप लोग आए, इसको टेस्ट करें। रंचोलाइन के इलाके में बहुत ही मशहूर है मैंगो मिल्क शेक। इसको ट्राई करें और कमेंट से बताइएगा कैसा इसका जायका। उम्मीद आपकी वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ अपनी मेजबान छोटी को इजाजत, देखते रहिए डेली न्यूज़।